बाद किसानों के कई आंदोलन अहिंसक तरीके से हुए। यह आंदोलन कभी विफल नहीं हुआ। हालांकि मोदी सरकार के दौरान किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने लगाया। वे मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार परिषद में बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों समेत 8 लोगों के कुचले जाने के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहे हैं। मोहन प्रकाश ने इस घटना की पृष्ठभूमि पर उपरोक्त बयान दिया। इस दौरान उनका कहना था कि मंत्री का बेटा किसानों को कुचलने का काम कर रहा है, किसानों को सांत्वना देने जा रहे नेताओं को रोका जा रहा है। ऐसा ही कुछ प्रियंका गांधी के साथ हुआ है। ऐसे में जब भी प्रियंका गांधी उनसे मिलने जाती थी तो उन्हें रोक दिया जाता था। आजादी के बाद किसान आंदोलन अहिंसक तरीके से चला। यह आंदोलन कभी विफल नहीं हुआ। हालांकि मोदी सरकार के दौरान किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है, हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देश अत्यंत गंभीर हालात में गुजर रहा है। दुनिया में कहीं भी ये मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इवन मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी भारत के कि लगातार साल भर तक अहिंसक आंदोलन हुआ, किसी वर्ग ने किया। पिछले एक साल से इस देश का किसान अहिंसक तरीके से 3 कृषि कानूनों को वापस कराने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार भागवत निर्देशित मोदी सरकार ने हिंसा का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया और क्रूर हिंसा, अलोकतांत्रिक हिंसा। मोदी सरकार देश में छोटे उद्यमियों को खत्म कर रही है। अमेजोन की द ग्रेट इंडियन सेल इस समय चल रही है, इससे रोजगार का नुकसान हुआ है और छोटे उद्यमियों का नुकसान हुआ है। देश के 41 आयुध निर्माण केंद्रों ने इसे निजी लोगों के गले में डाल दिया, इससे लाखों कर्मचारी परेशान हैं। भारतीय सेना को हथियारों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसा आरोप इस दरमियान मोहन प्रकाश ने लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने LIC का निजीकरण कर दिया है, जो इस देश की जीवन रेखा है। इन चीजों के लिए है, हमने कभी नहीं खोला, और अगर हमने खोला भी है तो 15% LIC के लिए हमने कभी खोला? हमने कभी रिटेल के लिए इस तरह से खोला? और इस देश के अंदर ठीक है, नई आर्थिक नीति के बाद कुछ बदलाव जरूर हुए, लेकिन अपने उद्योगों की कीमत पर नहीं हुए। ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने इसलिए नहीं बनाई थी कि बेच दिए जाए, ये इसलिए बनाई थी कि हम सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर रहे। मशीनें पुरानी हो गई, कोशिश कर रहे हैं उनको नई करने, लेकिन आप ये बताइए आत्मनिर्भरता नेहरू जी ने कब शुरू की? खाद्यान्न के मामले में आज हम आत्मनिर्भर, और आज जिस तरह से किसान को बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीतापुर में पिछले 36 घंटों से हिरासत में चल रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका गांधी पर अनुच्छेद 144 का उल्लंघन करने और शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।